वेलकम टू वाइज ज्ञान। आज से हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को डिस्कस करेंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो पहले हम यहाँ पे समझते हैं प्रॉपर्टी के बारे में। प्रॉपर्टी क्या होता है? आप लोग प्रॉपर्टी में समझते होंगे जैसे कोई लैंड हुआ, कोई बिल्डिंग्स हुआ, तो उसी से हम समझते हैं कि जैसे लैंड आप खरीदे, ओके, तो उस लैंड को आप रेंट पे लगाते हैं या उसे बेचते हैं तो आपको मनी प्राप्त होता है, ओके, कुछ पैसा मिलता है। उसी तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है? मान लेते हैं कि हमने कुछ ऐसा चीज बनाया, कोई नया डिजाइन बनाया, ओके, जो कि हमारे माइंड से क्रिएट किया गया है, अपने इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्ट से हमने एक डिजाइन बनाया, ओके, तो वो डिजाइन क्या होगा? वो डिजाइन एक न्यू डिजाइन है जो कि जिसपे मेरा अधिकार है, ओके। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में यही चीज होता है कि आपको उस चीज को रजिस्टर्ड करवाना होता है। और ये जो अभी जो जमाना है वो कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड है जो कि नॉलेज बेस्ड होगा, ओके, तो ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है इसे समझना बहुत जरूरी है, ओके। तो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में क्या होता है? जैसे कोई इन्वेंशन हो गया, जैसे माउस है, ओके, कोई डिजाइन्स है, जैसे कोई पेन का न्यू डिजाइन आया है तो वो पैटेंट करवाना पड़ता है ताकि वो कोई भी लोग उसे चोरी ना कर सके। ट्रेडमार्क है, जैसे हमारा यहाँ पे लोगो है, ओके, तो ये लोगो को मैं ट्रेडमार्क, मैं इसे रजिस्टर्ड करा लूंगा तो ये लोगो को कोई भी यूज नहीं कर सकता, ओके। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में आप जैसे देख सकते हैं ये बंगाल का रसगुल्ला है, ओके, पेठा का आगरा का पेठा है, तो ये सब चीज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में आता है। ये सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स में, ओके। और उसी तरह से कॉपीराइट होता है, ये एक ओवरव्यू है। कॉपीराइट क्या होता है? वो लिटरेरी या आर्टिस्टिक वर्क्स के लिए कॉपीराइट होता है। जैसे कोई पेंटिंग्स है, कोई सॉन्ग है, तो उस केसेस में कॉपीराइट लिया जाता है, ओके। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है, ओके, वो होता है क्रिएशन ऑफ द ह्यूमन माइंड, ओके, ह्यूमन माइंड का क्रिएशन होता है। जैसे आप देख सकते हैं आर्टिस्टिक वर्क, सिंबल्स, नेम्स, इमेज, डिजाइन यूज्ड इन बिजनेसेस, ये सब चीजों में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काम करता है। जैसे आप मान लेते हैं कि पैटेंट हुआ, कॉपीराइट हुआ, या जो भी ट्रेडमार्क होता है, ये सब एक संपत्ति का मतलब होता है कि जो भी संपत्ति है उससे हम पैसा अर्न कर सकते हैं। मान लेते हैं कि ये एक एग्जाम्पल से ये ए बंदा है और ये बी पर्सन है, तो ए पर्सन ने कोई भी मोबाइल का डिजाइन किया, कुछ भी मोबाइल का डिजाइन किया, ओके, और इसमें उसे लाखों रुपए खर्च हुआ, और ये जैसे ही इन्होंने पैटेंट नहीं करवाया, कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, रजिस्टर नहीं करवाया कि ये हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, लेकिन तो क्या करेगा, बी बंदा इसे कॉपी करेगा और ये इसके सस्ते दामों से बेच देगा, क्योंकि इसमें जो पर्सन बी है इसे कोई भी खर्च नहीं हुआ इसके सॉफ्ट इसको डिजाइनिंग में, ओके, तो ये कम दाम में इसे आराम से बेच सकता है, लेकिन जो काम किया इस पे वो पर्सन ए ने किया था, इस बंदे ने, ओके। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में ये होता है कि ये अपने जो डिजाइन है उसको पैटेंट करवा सकता है, ओके, पैटेंट करवाने के बाद कोई भी आदमी इसके जो डिजाइन है उसको कॉपी नहीं कर सकता है। तो इसका जो जो मेहनत है, इसका जो क्रिएशन है, ओके, वो यूज कर सकता है और उससे बिजनेस भी, उसे वो पैसे भी कमा सकता है, ओके। तो ये बहुत ही जरूरी चीजें हैं। तो कुछ चीजें हम बात यहाँ पे करते हैं। ये हृदयेश्वर सिंह भाटी हैं, ओके, ये हृदयेश्वर सिंह भाटी मात्र 9 साल की एज में पैटेंट लिया, और वो भी किस चीज में? चेस के 6 वेरिएंट, चेस का जो प्लेयर होते हैं, 6-6 प्लेयर एक साथ खेल सकते हैं चेस में, ओके, इस तरह का ये गेम को बनाया है चेस का। और इसका रूल्स अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं इन 6 प्लेयर्स वेरिएंट ऑफ चेस रूल, ओके, तो आप देख सकते हैं। और ये जो पर्सन है, ये जो बंदा है, मात्र 9 साल की एज में इन्होंने पैटेंट लिया था, हृदयेश्वर सिंह भाटी ने, 2012 में, ओके, तो इसके बारे में आप देख सकते हैं। तो ये जो चेस है, इस चेस को जो भी कंपनी बनाएगी और बेचेगी मार्केट में, तो उसका जो रॉयल्टी होगा वो इस भाटी को मिलेगा, हृदयेश्वर सिंह भाटी को, ओके। ये है सैमुअल थॉमस हाउटन, ओके, ये 2008 में 5 साल के एज में स्वीपिंग डिवाइस विथ टू हेड्स, ओके,
स्वीपिंग डिवाइस विथ टू हेड्स का इन्वेंशन किया और ये वर्ल्ड के यंगेस्ट पैटेंट होल्डर है, ओके, सैमुअल थॉमस हाउटन। तो 5 साल के एज में इन्होंने एक इन्वेंशन किया, स्वीपिंग डिवाइस विथ टू हेड्स। तो ये चीजें आप देख सकते हैं किस तरह से कार्य करता, और इसमें जो भी अब ये पैटेंट जहां भी ये इन्वेंशन का यूज हो रहा होगा तो उसका रॉयलिटी इस बंदे को मिल रहा होगा। ओके, इस फैक्ट्स को भी देखिए, ये यूएस का है, यूएस कॉमर्स डिपार्टमेंट रिलीज किया था 2016 में। इसके द्वारा जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसके द्वारा अराउंड 45 मिलियन यूएस जॉब्स क्रिएट होता है, मींस 4.5 करोड़ जॉब क्रिएट होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के द्वारा। और ये यूएस की जो जीडीपी है, यूएस की जीडीपी का 38.2% का कंट्रीब्यूशन करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ओके, जो कि $6 ट्रिलियन है, ओके, जो कि भारत से लगभग, जो भारत का इंटायर जीडीपी है, जीडीपी का जो जीडीपी है उसका डबल कंट्रीब्यूशन सिर्फ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के द्वारा यूएस में किया जाता है, ओके। तब आप समझ सकते हैं कितना अहमियत है इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, ओके, और भारत में इन्हें इस चीजों के बारे में अवेयरनेस भी नहीं है। तो ये आपको देखना होगा। इंडिया का जो पैटेंट है वो 1970 में बन गया था, ओके, लेकिन इसमें ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी। एक केस है जो यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी की जो मेडिकल सेंटर्स हैं वहां से टर्मरिक हल्दी का पैटेंट किया गया, पैटेंट के लिए अप्लाई कर दिया गया था 1995 में मिसिसिपी हल्दी के लिए पैटेंट के लिए, कि ये जो हल्दी होता है वो हीलिंग प्रोसेस, जो भी घाव होता है, जो इंजरी होती है उस पर यूज करके उसको हीलिंग प्रोसेस प्रॉपर्टी के लिए यूज किया जाता है, ओके। तो हम लोग ये पहले से ही, बहुत दिनों से हमारे दादा परदादा, इवन कब से यूज होता है ये हम लोग को भी नहीं पता है। यहाँ पे भारत में बहुत दिनों से इवन आप लोग यूज करते होंगे, कहीं पे घाव हो गया तो वहाँ पे हल्दी लगा लेते, कट जाता है तो वहाँ पे हल्दी लगा के हल्दी का यूज करते हैं, ओके। तो ये चीजें जब मिसिसिपी के यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी ने टर्मरिक पे इस तरह के प्रॉपर्टी के लिए जब पैटेंट फाइल किया था, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका अपोज किया, ओके, इस पैटेंट का। और अल्टीमेटली क्योंकि भारत में बहुत दिन से उन्होंने साक्ष्य बताए और इंडिया इस पैटेंट इस पे वो जीता और उसका जो पैटेंट था उसको कैंसिल हुआ, उसका पैटेंट कैंसिल हो गया, ओके। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में बहुत सारी चीजें चेंजेज होते रहते हैं, लाइक जैसे आप अभी देखा हल्दी के केस में, तो उसको बचाने के लिए, ट्रेडिशनल चीजों को बचाने के लिए उन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी का डेवलप किया। और ये क्यों किया गया, जो कि ये प्रिवेंट करता है रॉन्गफुल पेटेंटिंग ऑफ आवर ट्रेडिशनल नॉलेज। जो भी हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है, लाइक हल्दी से ये होता है, घाव ठीक हो जाता है, नीम के पत्ते का क्या यूज है, जैसे हमारा आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, ये सब जो मेडिसिनल चीजें हैं जो कि ट्रेडिशनल नॉलेजेज हैं, ओके, इनको प्रिवेंट करने के लिए, इस पे अपना राइट जमाने के लिए, अपना जो राइट है उसको डॉक्यूमेंटिंग किया है इलेक्ट्रॉनिकली, और TKDL की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिशमेंट किया, ओके। तो इस तरह के जो भी चीजें भविष्य में भी अगर कोई चीजें को पैटेंट राइट देने के लिए उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, तो उसमें चेंजेज आएंगे, नए नए तरह के एक्ट आएंगे, ओके। तो ये सब चीजें हैं। हम लोग अभी जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे हमारे वो पैटेंट्स पे होंगे, पैटेंट्स किस तरह से फाइल किया जाता है, जो भी पैटेंट के एक्ट हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और पैटेंट के रूल्स भी उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।